हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो नई वैकेंसी आई है, ये आई है बोट एसआर रिक्वायरमेंट 2019 के तरफ से, यानी कि तमिलनाडु में ये वैकेंसी निकाली गई है। और टोटल जो इसमें वैकेंसी खाली है वो है 660 पदों पर। तो 660 अप्रेंटिस पदों पर ये सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो आगे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आप बात कर ले आगे, तो आगे इसमें कोई भी लिखित परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी और सिर्फ आपको इंटरव्यू इसमें देना होगा। और लास्ट डेट की बात कर ले तो लास्ट डेट जो इसकी है वो है 11/10/2019 फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की। और इसमें ट्रेनिंग के दौरान सैलरी भी दी जाएगी। तो सैलरी कितनी दी जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल की दोस्तों। तो वैकेंसी डिटेल कुछ में इस तरह से है कि ये तमिलनाडु से निकाली गई पोस्ट है, जिसमें कि कुंभकोणम, विल्लुपुरम, नागरकोइल और तिरुवेंद्रम वैली के लिए है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो 2017, 2018 और 2019 में पास कर चुके हैं, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएट है या जो डिप्लोमा कर चुके हैं, ये उनके लिए ये फॉर्म है। तो पहली बात कर लेते हैं ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें सैलरी जो आपको पर मंथ दी जाएगी वो 4,984 रुपये होगी ट्रेनिंग के दौरान। और इसमें वैकेंसी डिटेल की बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मिला करके 108 पोस्ट यहाँ पर खाली है। और विल्लुपुरम में की बात कर ले तो 50 मैकेनिकल में है और ऑटोमोबाइल इंजीनियर में 20 है, जबकि नागरकोइल में 10 है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। सिविल इंजीनियर की बात कर ले तो सिविल इंजीनियर में यहाँ पे 9 पोस्ट खाली है विल्लुपुरम। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 9 पोस्ट है जो कि विल्लुपुरम में खाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 100 पोस्ट विल्लुपुरम के लिए है, नागरकोइल के लिए 10 है और यहाँ पे कुंभकोणम के लिए यहाँ पे 108 पोस्ट खाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 के लिए, तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए यहाँ पे 3,542 रुपये सैलरी रहेगी ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें कि जो ट्रेड है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को मिला करके 225 पोस्ट है कुंभकोणम में। विल्लुपुरम में बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 26 है, नागरकोइल के लिए बात कर ले तो 27 है, तिरुवेन्नवेली के लिए 136 पोस्ट यहाँ पे खाली है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 4 पोस्ट है जो कि विल्लुपुरम और तिरुवेन्नवेली में 4-4 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात कर ले तो 7 पोस्ट विल्लुपुरम में है, 10 पोस्ट तिरुवेन्नवेली में है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात कर ले तो 3 पोस्ट विल्लुपुरम में है सिर्फ। और टोटल बात कर ले तो कुंभकोणम में टोटल 25 है, विल्लुपुरम में टोटल 40 है, नागरकोइल में 10 पोस्ट यहाँ पे खाली है दोस्तों। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। तो जैसा अभी ये देखा ही होगा कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें डिग्री होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, जो कि एक यूनिवर्सिटी से ग्रांटेड होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वाला भी यहाँ पे चलेगा। अब कैटेगरी 2 की बात कर ले तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस मांगा गया है, तो इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट से या फिर सेंट्रल बोर्ड से भी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एज की, तो एज यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, तो मिनिमम जो रहता है वो 18 से 25 अमूमन रहता है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे दो तरीका बताया गया है। पहला स्टेप यहाँ पे है स्टूडेंट हु हैव नॉट सो फार एनरोल्ड इन दी नेशनल वेब पोर्टल, जो कि इसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर हैं तो ये वाला स्टेप आपको नहीं करना है, स्टेप 1। स्टेप 2 से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको स्टेप 1 से स्टार्ट करना है, तो ये सारा स्टेप 1 का प्रोसीजर है, आप देख सकते होंगे। पहले वेबसाइट पर जाना है, फिर क्लिक इनरोल करना है, फिर कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा जो कि आपको फॉर्म भरते वक्त मांगा जाएगा। उसके बाद अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपको स्टेप 2 से स्टार्ट करना है। ये भी वही तरीका दिया गया, आप देख सकते होंगे ये दोनों सेम है। तो उसके बाद स्टेप 2 करना है, रजिस्टर आपका हो जाने के बाद यहाँ पर, तो वहाँ से 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरते वक्त मांगा जाएगा। तब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की, तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 11/10/2019 और लास्ट डेट जो है अप्लाइंग के लिए वो है 21/10/2019, यानी कि अप्लाई जो है आप 21 तक कर सकते हैं, 21 अक्टूबर तक, जबकि आपको जो रजिस्टर करना है वो सिर्फ 11 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। यानी अगर जो पहले से रजिस्टर है उनके लिए 21 तारीख तक समय है, 21 अक्टूबर तक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड के लिए, तो
शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे जो है फ्रेंड वो 24/10/2019 को आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो इनके लिए क्वालिफाई या फिर सेलेक्टेड हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। फिर पाँचवा यहाँ पे है वेरीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो वेरीफिकेशन किया जाएगा आपका सर्टिफिकेट का, वो कब कब है, 30/10 को है, 31/10 को है, 1/11/2019 को है, फिर 2/11/2019 को, यानी 4 दिन लगातार आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा, जिसको कि अलग अलग डेट में आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए आपको कहाँ चेक करना है, इस वाले वेबसाइट पर आपको जो है वो सारा कुछ इसका चेक करते रहना है, जो आपको लिस्ट जो दिखेगा वो इसी वाले वेबसाइट पर दिखेगा फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो में दी गई जानकारी मेरे द्वारा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया मौका है, वो जा सकते हैं। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से अप्रेंटिस के बारे में बताता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए अप्रेंटिस वैकेंसी के साथ।